अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने की सोच रहे हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मान लो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप समीक्षा अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे कह देने से कि समीक्षा अधिकारी इतना आसान होता तो सभी समीक्षा अधिकारी क्यों नहीं बन जाते। लेकिन हाँ, इसका एक पैटर्न है, इसकी एक परीक्षा प्रणाली है जिसमें प्री होगा, मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद टाइपिंग होगी, माने तीन चरणों की परीक्षा होने वाली है। प्री परीक्षा में दो पेपर होने हैं। पहला पेपर जो होगा वो 120 मिनट का होगा, 140 प्रश्न होंगे, जीएस जीके के होंगे, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। इसी दिन दूसरा पेपर होगा 60 प्रश्नों का, जो सामान्य हिंदी होगा। मतलब पहला जो प्री पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, 200 प्रश्नों का होगा। और इस परीक्षा को पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे, माने शॉर्टलिस्ट होने के बाद। इसमें भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि इसकी पैटर्न, क्योंकि सिलेबस इसका एक अलग से डिजाइन सिलेबस है, 1/3 माइनस मार्किंग है। लेकिन अगर आप ने पूरे शेड्यूल पूरे ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन को पढ़ा तो यकीन मानिए इस बार नहीं तो अगली बार आपका हो जाएगा, और हो सकता है इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक बार आपको पूरा पैटर्न पकड़ना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना होगा, और प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हम ये ध्यान दे पाएंगे कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। सामान्य अध्ययन की सीरीज है, उसके बाद इसकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा तीन चरणों में होने वाली है। एक इसमें सामान्य अध्ययन होगा, दूसरा हिंदी होगा, आलेखन होगा, और उसके बाद निबंध होगा। माने तीन चरणों में मुख्य परीक्षा होनी है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको अंतिम रूप से टाइपिंग होगा। टाइपिंग के बाद आप सचिवालय में, एक पीसीएस लेवल का पद है लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं होता, आप बिना इंटरव्यू दिए इस परीक्षा को बेहतर कर सकते हैं। ये भर्ती प्रत्येक साल आती, कभी कभी बीच में गैप हो जाता, इस बार आई है, इस बार भी पद की संख्या कम है। लेकिन अगर आपको ये विश्वास है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी और आप इसमें एक पद हासिल कर लेंगे या एक पद के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, तो आप लोग आज ही आरओ की तैयारी में लग जाए, क्योंकि अभी भी आपके पास परीक्षा में लगभग 90 दिन से ज्यादा का समय है। और अगर आप अभी तक आप पढ़ नहीं पाए तो अपने पूरे टाइम को दो भागों में डिवाइड करिए, एक पढ़ना क्या है, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे पहला जो 10 दिन हो, शुरुआत के जो 10 दिन है, मैं इसके सिलेबस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जान लूंगा कि सबसे पहले शुरुआत के 10 दिन जो आपके सामने है, उस 10 दिन में आप ये कोशिश करिए कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। एक दिन में 2-3 पेपर सॉल्व करिए। एक दिन में आप 2-3 पेपर अगर सॉल्व करते हैं, तो 2-3 पेपर जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला आपके पास फायदा ये हो जाएगा, आपको ये क्राइटेरिया पता हो जाएगा आपको वास्तव में पढ़ना क्या 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 नहीं पढ़ना है। और पेपर सॉल्व करने के बाद आप तुरंत उसकी थ्योरी पर फोकस करिए। जैसे अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन की सीरीज में भूगोल आएगा, भूगोल दो होगा, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। मानव भूगोल के भी प्रश्न आते हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी में आंकड़े बहुत आए पूछे आते हैं, तो आंकड़े भी आपको यहाँ पर रटने होंगे। इसलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी आपको साथ में लेकर चलना होगा। अर्थशास्त्र की बात करें, पूरा अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, अर्थशास्त्र में वहां से पढ़ना है जहां जहां से प्रश्न आते हैं, और आंकड़े बजट इसके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मॉडर्न इंडिया पूछा जाता है, मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट, उसके बाद मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास, उन तथ्यों को पढ़िए जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। इसलिए हमने कुछ ऐसे नोट्स डिजाइन किए हैं जो पूरा माइंड मैप कॉन्सेप्ट पे है, माने हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन उन्हीं तथ्यों को डिजाइन किया गया है जहां से आपकी परीक्षा में आरओ में पूछे जा सकते हैं, या बीओ की तैयारी करें, यूपीपीएससी की तैयारी करें, तो एक सामान्य आपकी तैयारी के लिए बेहतर हो सकते हैं। उसके अगर हम आगे और बात करें तो आपके सामने दूसरा जो चरण आता है, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी आप सामान्य अध्ययन की सीरीज अगर पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी सभी के लिए अनिवार्य है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो पॉलिटी में भी जो प्रश्न है, कूट वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। पॉलिटी में भी कुछ महत्वपूर्ण, जैसे संविधान का विकास, भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक परिचय है और विकास उसका, वहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहां ज्यादा सवाल आते हैं। एक बार संविधान को पूरा अगर आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन करने का, तो रिवीजन में कुछ कुछ टॉपिकों को ही आपको रिवीजन करना होगा, वो हम आपको भी नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। और मैं कोशिश करूंगा ये सारी क्लासेज आपको निःशुल्क आप तक ये पहुंचती रहे। उसके बाद यहाँ पर आपके मन में फिर से एक सवाल आएगा कि सर, इसके अलावा अगर मैं आरओ की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पूरे सिलेबस पर डिस्कस करना है, सिलेबस में कहां कहां से पढ़ना है। तो अब हम इस पे सिलेबस की बात करते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप एक सीट की तैयारी पे फोकस कर रहे हैं और अगर आप ये अपने भरोसा अपने ऊपर रख लिया कि नहीं आपको सिलेक्शन लेना, इस बार आपको नौकरी लेकर रहना है, तो यकीन मानिए आप आराम से, अगर आपने इस पर अपना बेस्ट दिया तो कर सकते हैं। खासकर जो सरकारी नौकरी वाले, तो कुछ ऐसे अध्यापक भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये चाह रहे होंगे कि नहीं मैं अध्यापक काम करने के बाद अगर के मैं चाहूँ तैयारी करना कर लूँ, तो जी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं आरओ की, क्योंकि आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना है। आइए कि करके इस पर पूरे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। तो सबसे पहले एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही है, साफ स्पष्ट आ रही है। जितने भी लोग इस वीडियो को एक बार लाइव देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ आप हमें लाइव देख पा रहे हैं और एक साथ हमें पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। पर निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में, राष्ट्रित में, और हम आपके लिए लगातार ऐसी सीरीज जैसा सेशन लेते आ रहेंगे। इसकी जो जीएस की सीरीज है वो हम अगले दिन से आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ बने हैं एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दें कि हाँ मेरी आवाज आप लोग तक स्पष्ट रूप से पहुंच पा रही है। अब हम इसके सिलेबस पर फोकस करते हैं, पूरे सिलेबस की हम बात करेंगे, ठीक है।
देखिए टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग यहाँ पे दो चीजें होती है, अभी मैं बात करूंगा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो यहाँ पर भी है। अगर आपके पास कुछ लोग कहते हैं सर ओ लेवल होना चाहिए, अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन जो बड़ा पद है वो समीक्षा अधिकारी का पद है। तो हम आप बड़े पद के लिए फोकस करें, क्यों ना आप छोटे पद के लिए, बड़े पद के लिए फोकस करें। ये प्रत्येक वर्ष भर्ती आती है, और अगर आपने सिविल परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी, जैसे जरूरी नहीं है कि आप पीसीएस की तैयारी कर सकते, कुछ बीएड के भर्ती होंगे जो बीयू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बीटीसी डीएलएड के भर्ती हैं वो चाहते हैं मैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी करूं, तो आपका सबसे अहम जो है इस पर जीएस पे कमांड होना जरूरी है। जितना अच्छा आपका जीएस पे कमांड होगा उतना बेहतर सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि इसकी मेंस भी होनी है, मेंस ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव दोनों है। मेंस लिखने की कला आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने से आएगी, जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे उतना मेंस लिखने की कला आपके पास बेहतर हो जाएगी। एनसीईआरटी की पूरी नोट्स इलानी भी दुर्गेश पर है, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और नया एनसीईआरटी, मतलब अभी भी जा गया है। तीन तरह के एनसीईआरटी की नोट्स इलानी भी दुर्गेश के ऐप पर है, मैं भी खाली रहता हूं तो वहां पर पढ़ लेता हूं, आप भी यहां पर पढ़ सकते हैं। अब हम इसके पूरे सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार आप जरा कमेंट करके बता दे कि हाँ मेरी आवाज एकदम साफ और स्पष्ट आपको सुनाई दे रही है। इस वीडियो को अपने मित्रों को आप साझा और शेयर जरूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके पूरे सिलेबस की तरफ, ठीक है, ध्यान से इसके सिलेबस पूरा फोकस करेंगे और हम इसके सेशन आपको डे बाय डे लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सिलेबस है और मैं सिलेबस को थोड़ा सा जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज और ये वीडियो भी आप तक साफ साफ पहुंचे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं जो कि करिए क्रमवार रूप से निकल कर आएंगी। पहला यहाँ पे ये पूर्णांक 140 नंबर का होगा। अब ये प्रश्न होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन को हम शॉर्टकट में यूं कह सकते हैं ये जीएस का पेपर होगा, ये जीएस का पेपर फर्स्ट होगा। इस प्रश्न में इनकी संख्या 140 होगी, कितना होगी 140 प्रश्न होगी, पेपर फर्स्ट होगा। समय पूर्णांक क्या होगा 140, लेकिन समय की बात करेंगे 120 मिनट होगा, 120 मिनट माने एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक मिनट से कम का समय मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग नहीं है, समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग नहीं, हाँ अभी पूरा हम लोग इस पर देख लेंगे, समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग नहीं है, सहायक समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग है। तो यहाँ पर मेन जो है आपकी ना आपकी मेहनत है, जो आपकी जो तैयारी है वो पूरा जो फोकस है उसी पर हम लोग को करके रखना है। अब यहाँ पर हम और देखेंगे तो इसमें सामान्य विज्ञान है, क्या है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा जब आपकी परीक्षा सर पर हो, जब आपकी परीक्षा काफी नजदीक हो, तो उस समय उस दरमियान आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करने की जरूरत पड़ेगी वो विज्ञान से सामान्य कहाँ प्रश्न पूछे जाए, जैसे बायोटेक पे सवाल को पूछा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी में पूछे जा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो साइंस में भी हमें देखना है कहां कहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रीवियस परीक्षाओं में अभी तक कहां से पूछे गए। इसके लिए सामान्य विज्ञान के लिए घटना चक्र किताब बेस्ट होगी, घटना चक्र की पीसीएस की जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रामबाण होगी, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं चाहे बीओ की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक सरकारी अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस की जो प्रीवियस ईयर पेपर है विज्ञान की घटना चक्र एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा, विज्ञान के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसी विज्ञान में कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं भारत के इतिहास की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चीजें आपके लिए हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे कि मेरी आवाज आप लोगों को साफ आ रही है नहीं, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जरा बताइएगा हाँ मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है, साफ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि भारत का इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा था आजकल जो परीक्षाओं का ट्रेंड है, जिन परीक्षाओं की ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, इन परीक्षाओं के हम ट्रेंड की बात करें तो सबसे प्रमुख रूप से जो आपके सामने आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जो ज्यादा बहुतायत सवाल आपके पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। लेकिन भारतीय इतिहास को आपको इग्नोर नहीं करना है, भारतीय इतिहास के लिए घटना चक्र की किताब आपके लिए बेस्ट होगी, मतलब घटना चक्र अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपके लिए सफिशियंट और एक अच्छी किताबों में से एक मानी जाती है। दूसरा आपके लिए भारतीय राजतंत्र, भारतीय राजतंत्र की बात करें तो यहाँ पर इस टॉपिक को एकदम आसानी से समझ सकते हैं, अगर आसान भाषा में बताएं तो भारतीय राजतंत्र का मतलब ही होता है पॉलिटी की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है। दूसरा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, संस्कृति जो इतिहास में भी मैंने पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर हम लोग को पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर कई लोग पढ़ते हैं, ये यूपीपीएससी के भी पाठ्यक्रम में है और ये आरओआरओ के भी पाठ्यक्रम में, दोनों पाठ्यक्रम में आपको ये पढ़ने को मिलता है। अगर हम आगे बात करें तो लाइट का इशू बार बार आ रहा है, इसलिए लाइट कट जा रही है, इसलिए अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि लेट नाइट में वीडियो को शूट कर रहा हूं, मतलब आपके सामने लाइव हूं तो इसी वजह से समस्या थोड़ी सी बनी हुई है, अब साथ समस्या नहीं दिख रही होगी। अब यहाँ पे भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, मतलब ध्यान दीजिएगा एग्रीकल्चर वाणिज्य जो व्यापार है आपको किसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ना है, वाणिज्य व्यापार आपके किसके साथ पढ़ना, इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ना है, कला एवं संस्कृति भारतीय इतिहास के साथ पढ़ना, जो आपको प्राचीन इतिहास के सीरीज में मिलेगी, मध्यकालीन कला संस्कृति पढ़ना है, आधुनिक भारत के इतिहास को भी यहाँ पे रखना है, उसके साथ पढ़ना है, मतलब चीजों को कैसे जोड़कर पढ़ना है इस पर भी आपको फोकस करना होगा। जनसंख्या
पर्यावरण और नगरीकरण, ध्यान दीजिएगा, जो जनसंख्या है पर्यावरण और नगरीकरण, पर्यावरण जो है आपको वो कहां मिलेगा, वो भूगोल में जाकर मिलेगा, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल में आपको पर्यावरण पढ़ने को मिलेगा, नगरीकरण में जनसंख्या आपको पढ़ने को मिलेगी। तो नगरीकरण जनसंख्या आपको कहां मिलेगी, इकोनॉमिक्स से मिलेगी, क्योंकि यहां से सवाल जो जनसंख्या है इससे अगर आरू आरू की बात करें तो 8 से 10 सवाल हैं जो जनसंख्या से सीधे सीधे प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। मतलब सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य माने जो नगरीकरण है वो भारत की जनसंख्या के पूछा जाएगा, पर्यावरण जो है वो भारत की पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख जैसे इकोनॉमिक बात करेंगे तो कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इस तरह से अगर हम जब पढ़ेंगे तो कहाँ पे हमारा आ जाएगा, वो हमारा विश्व के इतिहास में आ जाएगा, सॉरी विश्व भूगोल में आ जाएगा। अब यहाँ पे विश्व भूगोल पढ़ेंगे और आंकड़े की बात करें अर्थव्यवस्था में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये बहुत सबसे ज्यादा सवाल प्राकृतिक संसाधन से भी आते हैं। प्राकृतिक संसाधन, अगर प्राकृतिक संसाधन को एक लाइन में अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये प्राकृतिक संसाधन का मतलब यहाँ पर एक तरह से एक लाइन में निकल जाएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसको भी मैं पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अनुदानातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक तरह से कह सकते हैं विविध तथ्यों की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, विविध तथ्यों की बात कर रहा है, मतलब विश्व का विविध जो है वहां से भी परीक्षा में प्रश्न खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं। अच्छा, आवाज बहुत स्लो आ रही है, जरा कॉमेंट कर बताएं कि आवाज बहुत स्लो आ रही, हो सकता है आपका वॉइस कम हो और यहाँ से प्रॉपर वे में आवाज जा रही है, एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएगा कि आवाज तो आवाज एकदम स्लो जा रही है। सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसे रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग के सवाल भी 12 से 15 सवाल जो होते हैं वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के सवाल पूरे प्रैक्टिस पर जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया होगा। अगर आप चाहें कि रीजनिंग सेशन मैं पढ़ा तो उससे अच्छा ये है कि प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस जैसे में ब्लड लेसन से सवाल आ जाते हैं, श्रेणी से आते हैं, मतलब श्रृंखला जैसे सीरीज कहते हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे टॉपिक जीवन टॉपिक है जहां से प्रत्येक वर्ष यहाँ से परीक्षाओं में खूब झोला भर भर के सवाल आते हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़ लेना है कैलेंडर से, क्लॉक से, यहाँ से ऐसे हैं जो रटे रटे टॉपिक हैं जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा माने यूं कह सकते हैं यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश का कल्चर, उत्तर प्रदेश का विविध, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश का संसाधन, ये भी पूछा जाता है। माने संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध विशेष जानकारी, माने यूपी स्पेशल। चाहे पीसीएस की तैयारी करें, अगर आप लोग को ध्यान होगा पीसीएस की जो मुख्य पेपर है उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसे हटाकर अब यूपी कर दिया गया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब से जो आरओ और एआरओ का पेपर होगा, जो आरओ और एआरओ का पेपर होगा, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले सवालों की संख्या है यूपी स्पेशल बढ़ जाएगा। मतलब अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व करें, अगर वहां पे आपको यूपी के सवाल 8 से 10 मिल रहे थे, तब इसमें क्या करिए 10-10 संख्या जोड़ लीजिए, मतलब अब ये 18 से 20 यू कह सकते हैं 30 सवालों तक यूपी जा सकता है। लेकिन यूपी ज्योग्राफी, यूपी की हिस्ट्री, यूपी की इकोनॉमी, यूपी की पॉलिटी, यूपी की विविध, यूपी की संस्कृति कल्चर, यूपी का मतलब यूपी को भी इन सब्जेक्टों से कोलिडेट करके पढ़ना है, जोड़कर पढ़ना है। और उससे भी सबसे बड़ी जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यूपी की जनसंख्या भी आपको पढ़नी है, भारत की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में यूपी की भी जनसंख्या होती है, ठीक है, तो एक दूसरे को जोड़कर आपको तथ्यों को पढ़ना। हो सकता है कहीं प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको गलती हो जाए उसके लिए सॉरी, हो सकता है लोग उसी को पकड़ के रख लेते हैं। अब ये हो गया, मतलब ये ऊपर जो पेपर है ये 140 नंबर का आएगा, मतलब इतना जो हम लोगों ने पढ़ लिया ये पूरा 140 अंकों का आएगा। मतलब अगर आपने इतनी तैयारी कर ली तो आपका 144 हो गया। इसमें गणित के भी सवाल, परसेंटेज है, डायग्राम है, डीआई है, यहां से सवाल आते हैं। माने जीएस के जो सवाल होते हैं वो मान के चलिए 115 होते हैं, उसके अलावा 25 सवाल जो होते हैं वो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर होते हैं, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर होते हैं। इसमें करण की भी भूमिका होती है, करण की का 20 से 25 प्रश्नों की भूमिका करंट की होती है। और इकोनॉमी की बात करें तो ज्यादातर प्रश्न इकोनॉमी में करंट से पूछे जाते हैं। और यहां पे अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, और यहां पे देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये एक लाइन में कह रहा है, ये करंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये करंट अफेयर की बात कर रहा है। करंट अफेयर को भी आपको डिवाइड करके पढ़ना होगा कि किस हद से करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि पीसीएस से करंट अलग हो जाता है, आरओ आरओ का अलग हो जाता है, और सामान्य परीक्षा के करंट अलग हो जाते हैं, बीओ का अलग हो जाता है। तो इसके लिए करंट अफेयर की स्पेशल क्लास लेंगे, क्योंकि यहां से बजट से सवाल पूछे जाते हैं झोला भर भर के। तो जो बजट आ चुका होता है बजट पर ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि सचिवालय की पोस्ट है तो वहां पे पूरा काम करना है। 140 नंबर, ये इसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन यही एक ऐसा है जिसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा में प्रवेश कर पाते हैं, मुख्य परीक्षा में जा पाते हैं। दूसरा हम बात करें सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी में कुछ रटे रटाए टॉपिक होते हैं। सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं यहाँ पे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी 60 प्रश्नों की हम बात करें तो 60 प्रश्न जो होते हैं ये 60 नंबर के होते हैं, और इनका समय होता है 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, माने 60 मिनट में 60 प्रश्न करना, जिनकी पूर्णांक क्या होती है 60। इसमें केवल 6 टॉपिक होते हैं, इन टॉपिकों को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना, इन टॉपिकों को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना, प्रीवियस पेपर को ज्यादा ज्यादा पढ़ना है। उसके अलावा
हरदेव बहरी है, नालंदा की एक पुस्तक आती है वो आप पढ़ सकते हैं जो काम आएगा। उसके साथ साथ कई ऐसी किताबें जो प्रीवियस ईयर के तौर पर आती, घटना चक्र की भी हिंदी स्पेशल आती आरओ आरओ के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा विलोम शब्द 10 नंबर का, मतलब केवल विलोम पर फोकस करना है, 10 नंबर का विलोम आपको करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी मैंने बता दिया। वाक्यों की वर्तनी माने वाक्य में वर्तनी शुद्धि, ये 10 नंबर का आएगा। अनेक शब्दों से एक शब्द 10 नंबर का आएगा। तद्भव तत्सम 10 नंबर का आएगा। विशेषण विशेष 10 नंबर का आएगा। पर्यायवाची शब्द माने 6 टॉपिक गुणे 10 माने 60 नंबर का सवाल आएगा। पूरी हिंदी आपको नहीं पढ़नी, केवल 6 टॉपिक हिंदी की पढ़नी है। और यह स्कोरिंग है, यह आपके लिए स्कोरिंग है, मेरी बात समझने का प्रयास करेगा, यह आपके लिए स्कोरिंग है। क्योंकि इसके नंबर जो 140 थे उसमें ये जो हिंदी का नंबर है, हिंदी के जो मार्क्स हैं वो भी इसमें ऐड होंगे, उसके बाद आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी। अगर नेगेटिव मार्किंग भी चल रहा है और इस 200 में अगर आप 115 अगर कर ले जाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं मुख्य परीक्षा की। अगर आप 115 से 120 मतलब अगर आप 115 से 120 अगर आप कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में। क्योंकि पहले क्या होता था 130-135 वाले जो थे वो मुख्य परीक्षा लेते, लेकिन जब से नेगेटिव मार्किंग हो गया तब से इसकी जो परसेंटेज है क्वालिफाई करने का वो कम हो गया। तो ये प्री परीक्षा के बारे में मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। अब एक बार मैं फिर से ऊपर आता हूं, मैं आपको यहां बताऊंगा इसके लिए भी घटना चक्र, इन टॉपिकों के लिए भी आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे सर किताब में अगर पढ़ना हो तो लूसेंट भी बेस्ट है, लूसेंट भी बेस्ट है। वैसे यूनिक प्रकाशन की किताबें आती हैं, लेकिन क्योंकि नए परीक्षा में ट्रेंड में हो रहा है, सिर्फ नए ट्रेंड में कम समय में ज्यादा कुछ करेगा, माइंड मैप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेगा, क्या आता है क्या नहीं आता उन टॉपिकों को पढ़ने का प्रयास करेगा, ताकि आप सिलेक्शन की जो संभावना है वो बढ़ जाएंगी। मैं आपके लिए निशुल्क क्लास लेकर आऊंगा और मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से सेशन को निशुल्क पढ़ाने का, और हर दिन एक एक टॉपिक लाऊंगा, क्योंकि मेरी सीरीज थोड़ी बड़ी होगी। क्योंकि देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा एक एक वीडियो में 2.5-3 घंटे का लेक्चर होगा, और अब 2.5-3 घंटे का लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाते तो आपका स्वागत है इलर्निंग विद दुर्गेश पर, मैं अपने बचे हुए समय पर आपको लेकर आऊंगा। अगर आप लोग को लगता है नहीं इसकी तैयारी करनी चाहिए तो कमेंट में यार वाई लिख के बताइए हाँ आप इसकी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो वैसे आपकी मर्जी, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देगा, पैसे आपके नहीं लगेंगे। ये हो गया, अब हम बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। जो मुख्य परीक्षा है अगर हम इसकी बात करें तो इस मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक जैसा होता है, जो सामान्य अध्ययन होता है ध्यान दीजिएगा एमसीक्यू होगा, ऊपर भी एमसीक्यू ये भी है, मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो प्री परीक्षा थी, जो प्री का प्री परीक्षा थी, यहां पे जो प्री परीक्षा थी जो वो पूरी तरह से कैसी थी, वो एमसीक्यू पे थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वहां पे क्या थे 4 विकल्प, उसमें एक विकल्प को सही करना था। अब मुख्य परीक्षा जो मेंस होना है, जो मुख्य परीक्षा होनी है, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो सामान्य अध्ययन है, इसमें जो जीएस होगा, इसमें जो जीएस होगा 120 प्रश्न होंगे, वो भी कैसा होगा, एमसीक्यू होगा। अब ध्यान दीजिएगा अगर आपने जो प्री में जीएस पढ़ा है वही आपको मेन से पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना। इसलिए हम कोशिश करेंगे जो समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस पढ़ने का वो मुख्य परीक्षा के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि प्री परीक्षा पास करने के बाद आप अंतिम दरवाजे से वापस ना आए। अभिमन्यु की तरह हमें काम नहीं करना है कि 6 दरवाजे तोड़ लें और अंत में फंस जाएं। तो हम कोशिश करना है हम मुख्य परीक्षा से प्री परीक्षा की तरफ चलेंगे। हम जो सिलेबस को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे वो सबसे पहले मुख्य परीक्षा को पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्री परीक्षा को भी फोकस करेंगे, उसके सिलेबस को भी पकड़कर वो चलेंगे। इसके लिए आपको भी उतना ही मेहनत करना होगा जितना हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। प्रीवियस ईयर पेपर पर पूरा पूरा आपको फोकस करना होगा, जितना बढ़िया प्रीवियस ईयर पेपर कर पाएंगे उतना सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 घंटे में सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा होगा, ठीक है। अब समय 2 घंटे का होगा। अब दूसरा जो पेपर होगा सामान्य हिंदी आलेखन का होगा, ये कैसा होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। यहां पे भी हम आगे इसके देख लेते हैं, अब यहां पर देखते हैं, देखिए खंड एक परंपरागत सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। समय 2.5 घंटा दिए हुए गद्यांश में सारांश में 3 रेखांकित अंशों का व्याख्या करना होगा। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप से टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होगा। पत्राचार होगा, देखिए इसमें 3 टॉपिक होगा, गद्यांश का शीर्षक, कोई गद्यांश दिया होगा उसका आपको शीर्षक लिखना होगा, सारांश लिखना होगा, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। इसमें गद्यांश के शीर्षक के लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे, सारांश के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने पर 12 नंबर मिलेंगे, इस प्रकार आपके 21 नंबर हो जाएंगे। किसी दिए हुए सरकारी पत्र सारणी का रूप आपको यहां पर बताना होगा, ये 15 अंक का होगा। पत्राचार शासकीय अर्धशासकीय पत्र होगा, कार्यालय आदेश ज्ञापन परिपत्र होगा, विज्ञप्ति होगी, टिप्पण प्रतिवेदन होगा, अनुस्मारक होगा, ये 24 नंबर का होगा, मतलब यूं कह सकते हैं 8-8 नंबर की सेशन होगा। फिर कह रहे हैं परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द 10 नंबर के होंगे, हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द 10 अंक के होंगे, मुहावरे लोकितियां 5 होंगे, यहाँ पे 5 मुहावरे लोकितियां होंगी 10 नंबर के होंगे, तो ये होंगे आपके 40 नंबर। कितने होंगे आपके 40 नंबर के, ये डिस्क्रिप्टिव होगी, ये आपकी क्या होगी, लिखित होगी। कैसी होगी, ये लिखित परीक्षा होगी। और आगे अगर हम बात करें
अब यहाँ पे समान शब्द ज्ञानी और व्याकरण यही वस्तुनिष्ठ होगा। यहाँ पे फिर देखिए ये क्या होगा, ये भी वस्तुनिष्ठ होने जा रहा है, ये भी क्या होगा एमसीक्यू होने जा रहा है, माने जीएस भी एमसीक्यू था, अब हिंदी ये भी क्या होगा, ये भी एमसीक्यू होगा। इसके अगर हम बात करें इसमें क्या क्या है, इसमें विलोम है, इसमें क्या है विलोम है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, तत्सम तद्भव विशेषण माने जो पीटी में आपने पढ़ा था जो टॉपिक वही टॉपिक मिलता जुलता आपको फिर से मुख्य परीक्षा में पढ़नी है। ध्यान से देखिएगा विलोम है, वाक्य शुद्ध है, अनेक शब्द तद्भव तत्सम विशेषण विशेष है, ठीक है। ये आपके हो गए छह छह शब्द पूछे जाएंगे, माने छह छह शब्द यहाँ से आएंगे और बारह बारह मतलब एक प्रश्न के दो नंबर होंगे। और ये भी कैसे होंगे, व्याकरण शब्द ज्ञान क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। आगे अगर हम देखें अब तीन घंटे में क्या होगा अगला, अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न के अंतर्गत तीन प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक होंगे। ये निबंध है, ये क्या है देखिए हिंदी निबंध है, ये अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं निबंध, यहाँ पर हो गया हिंदी निबंध। अब हिंदी निबंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि तीन निबंध लिखने होंगे, क्या होगा तीन निबंध, क ख ग का चयन करते हुए दी गई सीमा में कुल निबंध 600, साहित्य और संस्कृत, क्या होगा साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र, शब्द सीमा 600 होगी, 40 अंक होगा, इनमें से कोई एक आपको लिखना होगा। मैं चयन करते हुए दिए गए शब्द तीन निबंध लिखने होंगे। फिर विज्ञान पर्यावरण पदों की शब्द सीमा 600 होगी, आर्थिक क्षेत्र कृषि एवं व्यापार। अब हम बात करते तीसरे की, इसमें होगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम शब्द सीमा 600 होगा, प्राकृतिक आपदाएं भूस्खलन चक्रवात भूकंप बाढ़ सूखा और आदि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो यहाँ पर हम देखें तो कम से कम आपको कहाँ कहाँ देखिए, जिसकी रचना साहित्य में होगी, सामाजिक होगी, राजनीति में होगी, तो यहाँ पर डेली जो न्यूज़पेपर आता है वो न्यूज़पेपर आपको निबंध लिखने में काफी मददगार होगा। और यहाँ पर ये जानना जरूरी है निबंध की शुरुआत कैसे करते हैं, अंत कैसे करते हैं, क्या क्या टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण होगी, और परीक्षा के नजदीक में ये एक अनुमानित निबंध क्या क्या हो सकते हैं इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रीवियस जो पीसीएस के पेपर हुए हैं उनकी भी आपकी मदद हो जाएगी, किस तरह के निबंध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास योजनाएं कौन कौन, इसमें से एक एक करना, 640 अंक हैं ये, 120 अंक हो गए, तीन निबंध 400 शब्दों में आपको लिखने होंगे। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की शब्द सीमा, तो यहाँ पे प्राय ऐसे ही टॉपिक आते हैं जो काफी आपके समाज में और यू कह सकते हैं कि वायरल कंटेंट ही जो होते हैं वही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अगर अभी पूछेगा तो चंद्रयान से पूछ सकता है, ठीक है, चंद्रयान 3 क्या था, रसिया का जो चंद्रयान था उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक, उसका जो मिशन फेल हुआ क्यों हुआ, तो इस तरह के निबंध आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अन्य पाठ्यक्रम की बात करें तो संबंधित विषय अनुदेश मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अनुवाद अलग अलग से प्रकृति के प्रश्न पत्र होंगे, उक्त प्रश्न पत्र परंपरागत प्रारक होंगे जिनकी समाधि 3 घंटे की होगी, पूर्णांक 100 होगा। समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू के पदों हेतु अधिक मान्यता प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों का अनुवाद के उक्त प्रश्न पत्र में न्यूनतम 30% 100 में 30 अंक किया जाना अनिवार्य होगा, 33 से कम मतलब 30% आपके लिए अनिवार्य होगा अंक लाना। इसके लिए भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो अब यहाँ पर दोनों पदों देखिए, इसके लिए हम आगे भी वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ से अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने का, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये है। और अभी हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर, क्योंकि जो जीएस है देखिए प्रारंभिक परीक्षा जैसा होगा, सामान्य अध्ययन जो होगा, ये कहा जा रहा है कि यार ये पहले पेपर जैसा होगा, हो सकता है इसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिल जाए। तो इसलिए यहाँ से अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले काम करना है, जो पहला आपके लिए है कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपको जीएस प्रकरण बनानी है। अगर आप जीएस पर अपना कमांड बनाते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार ये कहना चाहूंगा, अगर आप जीएस पर पकड़ बनाते हैं, जीएस और जीके पे, तो आने वाली हर परीक्षाएं आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जीएस जीएस जीके हो गया, हिंदी हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, ये किसी भी परीक्षा का बेस है। और अगर आपने तैयारी की, हो सकता है आप आरओ आरओ की तैयारी के साथ, कुछ लोग बीओ की तैयारी करना चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का, तो उनके लिए ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, उनके लिए चीजें काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए सबसे पहला काम आप जीएस जीके पर पढ़िएगा। उसके लिए सबसे पहले हम आपके लिए जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी के सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में भी हम सबसे पहले वर्ल्ड शुरू करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी शुरू करेंगे, ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में सबसे शुरू, क्योंकि वहीं शुरुआत होती है। और अब साथ में साथ नोट बनना चलेगा, हम क्या करेंगे शॉर्ट में चीजों को पढ़ाएंगे, जहां से पेपर में प्रश्न आने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है। आप लोग सबसे पहले काम टेलीग्राम पर, अगर चाहते हैं डेली क्लास में आप जुड़े रहें, तो आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेगा, जहां पर हम इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी डे बाय डे लेकर आएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर की जो टाइमिंग होगी वो आपके लिए प्रत्येक रात 9 बजे होगी। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे समीक्षा अधिकारी बीओ की तैयारी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीओ की भी तैयारी कर रहे होंगे,
जो बीएड के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए है, क्योंकि ये तो बीएड के अभ्यर्थी, बीटीसी के अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग जरा बताइएगा कि आप लोग को मेरी आवाज साफ आ रही है। आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नोट संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो वहां पर आप ऑफिस के नंबर इलर्निंग विद दुर्गेश के कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको सभी नोट शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे, जो आपके जीएस में काफी मददगार होंगे, कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए हैंड रिटन नोट्स होंगे, क्योंकि उन्हीं संभावित टॉपिक पर होंगे जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा और प्रबल है। एक बार मैं आपके कॉमेंट लेता हूँ, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि अगले जो सेशन होगी उसके बाद हम क्योंकि अनुप जी इस वीडियो में लाइव देख रहे हैं, उनका भी एक इच्छा था कि सर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी लाऊं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मानचित्र आपको पढ़ाऊं, तो पूरी जो ज्योग्राफी होगी वो मानचित्र के माध्यम से ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो भी विषय होगा हम उसे माइंड मैप कॉन्सेप्ट पर लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे थ्योरी के बेस में आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको उसमें हो सकता है उसमें आपका मैं समय भी ज्यादा ले पाऊं तो मैं आपका समय भी ले पाऊंगा, वीडियो क्योंकि बड़े बड़े होंगे, लेकिन आपको साथ में प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। उसके लिए घटना चक्र की जीएस की सभी पॉइंट ले लीजिएगा, जो जो है जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है और साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूपी स्पेशल है राज्य के लिए, और इसके साथ साथ करंट पर भी फोकस करना। करंट के लिए भी आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा मैगजीन पर फोकस करिए, मैगजीन में भी बहुत डीपली चीजों को मत पढ़िए, कुछ पॉइंट से सवाल जहां सकते हैं। साथ ही साथ नगरीकरण आपको पढ़ना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पढ़नी है, उसके साथ साथ आंकड़े पढ़ने, जैसे कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, फ्रूट्स का उत्पादन कहाँ होते हैं, जो उद्योग धंधे हैं उनको भी आपको पढ़ना है। आंकड़ों से भी सवाल समीक्षा अधिकारी में खूब पूछे जाते हैं, मतलब अगर बात करें तो 20 से 30 सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आंकड़ों से पूछे जाते हैं, अगर आपके आंकड़े क्लियर है तो करते। उत्पादन में, उपभोग में और भंडारण में, तो तीन तरह से पूछा जाए, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन है, सबसे ज्यादा भंडारण कौन करता है, प्रत्येक टियर सबसे ज्यादा कौन करता है, इस तरह से गेहूं से भी तीन सवाल आपके परीक्षा में बन सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं अरे सबसे ज्यादा उत्पादन तो गेहूं का यूपी में ही होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करेगा तो कहां होगा, सबसे ज्यादा भंडारण कौन करता है, तो सबसे अच्छी किस्म का गेहूं कहां पर होता है, तो इस तरह के सवाल आपको समीक्षा अधिकारी में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन के लिए पढ़ना, सिलेक्शन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बड़ी बड़ी होगी। देखिए मैं आपको पहले बताऊंगा, एक 15 मिनट की वीडियो आती है, इसको देख लीजिए समीक्षा अधिकारी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं, एक ऐसा घुमा दिया और आप समीक्षा अधिकारी हो जाएंगे। समीक्षा अधिकारी होने के लिए या खंड शिक्षा अधिकारी होने के लिए, क्योंकि जीएस देखिए जड़ है और हम जीएस पर ही फोकस करेंगे आपका, बिना जीएस के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि देख रहे पूरा जो आपको मुख्य परीक्षा से लेकर प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा जो दरवाजा है वो जीएस का है, और मुख्य परीक्षा ही प्रारंभिक परीक्षा के रास्ते खोलते हैं। तो जीएस को जो हम पढ़ेंगे तो मुख्य परीक्षा और पीटी दोनों को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे, दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, और आपसे कोशिश करेंगे आप हमारे साथ नोट्स भी बनाते, लिखते भी चलिए, और अगर आप नहीं बना पाते तो पूरा हैंड रिटन नोट्स है जो समीक्षा अधिकारी के हमें आपको काम आ सकता है। तो फिलहाल आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मेरी बात आपको समझ में आई, कहां तक आप संतुष्ट हैं इस बातों से लेकर। अगर आप आरओ को लेकर आपका कोई सुझाव है, अगर आपका कोई फीडबैक है, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझ तक भी ये मिल जाए। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइक करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करिएगा। इसके लिए एक नया YouTube चैनल है सिविल सेवा, तो सिविल सेवा YouTube पे सर्च करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि मैं जब भी समय मिलता है गेस्ट के रूप में मैं निशुल्क आपके लिए पढ़ाने के लिए आ जाता हूं इस चैनल के माध्यम से। अब फटाफट अपने सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है कुछ आपके सवाल भी हो, मैं उनके भी जवाब दे लूं। फटाफट अंदाजे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, वरना वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं शेयर करिएगा, और कहीं भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएगा। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाने की। फटाफट कमेंट करिएगा, नहीं है कोई सवाल आपका, थैंक यू आपका, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लोगों तक तो पहुंचाते रहेगा कि अब की बार एक सीट हमारे सपना को पूरा करना है, और आपने मेहनत किया तो आपकी मेहनत से बढ़कर ये परीक्षा नहीं, यकीन मानिए आपका सफलता 110% होगा। बस आपको अपना बेस्ट और बेहतर देते रहना है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में तो गधे अच्छे लगते हैं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।